सत श्री अकाल जी सारे नूं। अज मैं लगी हूँ आलू एक सब्जी बनाउण, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, उहदे च समान भी बहुता नहीं पैंदा, ते उह वी तुहाडी चॉइस है कि तुसीं इह वी पाउणा चाहुंदे हां ते ना पाओ, भावें लसन ना पाओ, कल्ली हरी मिर्च पा लो ते नाल आलू पा लो, ते बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, भावें तुसीं सफ़र च खड़ो किते वी खड़ो, ते भावें घरे खाओ, परौंठियां ना खाओ, सिंपल रोटी ना खाओ। सब तों पहलां भी आलू नूं कटिंग दा मेन काम आ कि अहीं इहनूं जदों कट्टणा आ ते इन्ना क रखना ज्यादा मोटा, इन्ना बहुत ज्यादा चिप्स वर्गा नहीं करना, थोड़ी जी इन्नी क रखनी चाहिए, मोटाई ये होनी चाहिए। हाँ भाई, इनू आलूआ कचरिया कहें, जेड़े जेड़ा हम मेरे रैलेटिव जे देखे जड़े जड़े तो उन्होंने जिन्होंने पता है कचरिया का, तो अं कचरिया बोलते हैं, पर उदा ये आलू की सुकी सब्जी है। सारे का तरीका अपना अपना, टेस्ट भी सारे का अपना अपना ही आता वा जो कोई बना वा, तो इस करके बी मैं जेडिया टिप्स वरतनी हाँ वह हैगी है कि जदों भी आलू की इदा सब्जी बनाओ तो पहला इन्हों पानी च दो तीन वरी जरूर धो लो कि इन्हों का स्टार्च निकल जाए आलूआ का, तो नहीं तो सिले सलाबे सलाबे जो नहीं बनने फिर इदा तो क्रंची हो जाएंगे जो तुम सब्जी पूरे तैयार करोगे, तो इस करके बी थोड़ा जहा इदा रख के इनू दो तीन पानी धो लेना। ये भी जी सब्जी है ये सरों के तेल च बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है, तो इस करके भी इन सरों के तेल च ही बनाना है, तो नॉर्मल जे तेल पाओ, ज़्यादा पाने की लोड़ नहीं हैगी, तो इनू चंगी तरह कर लेना गर्म कि जड़ा गर्म हो जाए, तो फिर यदा गैस घट कर देगी। हूँ मैं गैस बंद कर दी है कि थोड़ा जहा ये हम नॉर्मल हो जाए। अच्छा भी तेल हो गया हूँ थोड़ा जहा ठंडा, इस पाता जीरा नाल पा देनी है साबा तो मिर्च, फिर नाल पा देनी हरी मिर्च साबा ढक देना। इन्हों का मकसद ये आ कि जो तुम हरी मिर्च साबत पाते हैं जां लसन साबत पाते हैं तो जो तुम ये सब्जी खाते हो तो वह इन्ना मजा आता है, लसन तो हरी मिर्च में इदा साब मतलब तोड़ तोड़ के खाता, कि इस करके इनू मैं अलग ही रखती हाँ, तो बाकी यदा मिर्च का जो टेस्ट है वो आलूआ के मिर्च चल जानी है, पर एक्स्ट्रा भी तुम्हें मिल जानी है भुजी हुई मिर्च, तो इस करके इन्हों पहला भुन लेना वा घट सेक, तो इन मैं कवर ता किया है कि छिट्टे बड़े मार दी हाँ जो गर्म अपने तेल के जाती है। ये है जो मैं गैस ऑन नहीं किया पर जो तेल की इन्नी गर्म है ही गर्मी इन्ना ही कि वह ही अपना थोड़ा जहा भुजना शुरू हो गया, हूँ इनू घट सेकते करके थोड़ा जहाँ पका लेना। हाँ भाई देखो इदा इन्ना वधिया ये बन जाता है नाल रोटी के खाने वास्ते अलग ही, तो इस करके इनू पहला तैयार कर लेना वा, तो जिदा हूँ इन्ना ही भुज गया बाकी इन्हें आलूआं दे नाल भी पक जाना वा, तो थोड़ी जी ये हूँ इस टाइम पर हींग पा लेनी है तो इनू भुन लेना नाल ही, हींग के नाल आलू इन्ने ज़्यादा टेस्टी लगते वैसे आज मेरे वास्ते भी हींग चंगी होंगी है, तो इस करके बई इनू भी नाल ही कर लो पा लो, तो बाकी जेडे अं आलू आ ये हूँ पा लेने ये ट्रांसफर कर लेने हैं। अच्छा भी पहला पा लेना नमक हल्दी गरम मसाला धनिया पाउडर, हाँ भाई थोड़ा जहा आमचूर पाउडर, ये आमचूर पाउडर पा के बनाए हो जो नहीं आमचूर है चाट मसाला पा लो, पर इस तरीके ना बनाए चटपटे आलू एक इन्ने वधिया बनते हैं, पर बई हूँ जिदा सारे मसाले मिक्स कर देने हैं तो इनू घट सेकते रख देना तो इनू ढक के पकाना है क्योंकि अजे इनू कोई फुल सेक नहीं करना कुछ नहीं करना। देखो इदा मसाले लग जाने चाहिए सारे आलू वाले चंगी तरह। अच्छा भी इन्हें तीन चार मिनट हो गए हैं, एक तो पानी वाहवा हो गया बच्चे बन गया, बाकी बहुत सोने बनते हैं अजे कच्चे है तो इस करके चार पाँच मिनट ही आप होर रखना वा। एक भी एक चीज़ है तुम दसा कि जो आप इनू करते हैं ये चिपकन इस करके नहीं डे क्योंकि ये आप जो धोता वा पहला आलूआ दो चार पानी के वो यदि वजह ना वह स्टार्च घट जाता है तो चिपकते नहीं है, फिर इस करके तुम देखो भी ये इदा ही बनने हैं तो बहुत वधिया ये ड्राई ड्राई लगने हैं,
एक दूजी गल है कि ये तुम कभी भी देगी मिर्च नहीं पानी, ये सिर्फ हल्दी का ही तड़का लाना वा, देगी मिर्च पाती तो कलर बिलकुल ही चेंज हो जाना। तो इस करके भी दो ध्यान देने वाली चीजा है। हाँ देखो भी अगे नो बन गए हूँ। आप करना है आ भी तवे ते कसूरी मेथी जी है थोड़ा जहा रोस्ट कर लिया ही, ये उपर पा देनी है। इधर इन्ना ज्यादा वधिया फ्लेवर आता वा, इन्हें भी चंगी तरह मिक्स कर लेना। देखो भी इन्ने वधिया ये आलू बनते, चटपटे जे आलू बनते हैं, तो टेस्टी भी बड़े हैं, तो जल्दी भी बड़े बनते हैं। 5-10 मिनट लगे वा। हाँ तो हूँ ये उपर पा दो धनिया। अच्छा भाई जे तुम इतों तक पहुँच गए, जे वीडियो पूरी देख ली आ, तो लाइक करने बगैर ना जायो, तो सबसक्राइब भी कर लो जिन्हें सबसक्राइब नहीं किया। चलो जी, ओके जी, बाय।